हाय, आज हम आपको इस वीडियो में पोकीपो के टैप अडैप्टर के बारे में बताएंगे जो कि थ्रेडेड टैप्स में लगाया जा सकता है। आप यहां पे देखेंगे हमारे पास टैप अडैप्टर है और ये हमारे पास थ्रेडेड टैप्स हैं। ये आप ध्यान से देखिए, थ्रेडेड टैप्स में यहां पर थ्रेड्स लगे हुए हैं, तो इन टैप्स में कैसे टैप अडैप्टर लगा सकते हैं और उसके दूसरे एंड में कैसे हम लोग पाइप कनेक्ट कर सकते हैं और पाइप के थ्रू हम लोग नोजल कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास थ्रेडेड टैप अडैप्टर है। ये हमारे पास है हाफ इंच का। इसको अगर हम ओपन करते हैं, अगर आपके टैप्स अलग अलग साइज़ के हैं तो ये आपको रिक्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ये देखेंगे तो आप 3x4 इंच का है और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 1 इंच का थ्रेडेड टैप के लिए हो जाता है। तो आज हम आपको एग्जाम्पल देंगे हाफ इंच के टैप को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये हमने लगा दिया, ये हमने फिट कर दिया, ये आपको ऐसा आएगा। अब देखिए आप, हमारे पास ये टैप है एक, इसको आप गार्डन वॉल भी बोल सकते हैं, इसको तो गार्डन वॉल नहीं बोलेंगे मगर ये एक टैप है और एक गार्डन वॉल में भी लग सकता है ये प्रोडक्ट हमारा जो है टैप अडैप्टर। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर टैप है, इसके नीचे थ्रेड्स हैं यहाँ पर। अब ये थ्रेड्स आप देखेंगे ध्यान से, ये आप ध्यान से अगर मेज़र करेंगे इसका इनर डायमीटर अगर इंच में लेंगे तो ये हाफ इंच आता है। सिमिलरली हमारे पास ये एक और है, तो इस तरह से लगेगा ये, यहाँ से इसका ये नल है और ये नीचे से इसका थ्रेडेड टैप है। ये भी आप देखेंगे तो हाफ इंच है। तो ये हाफ इंच का अगर हमारे पास टैप है थ्रेडेड टैप और उसके लिए हमारे पास ये थ्रेडेड अडैप्टर है, तो ये इसको हमें सिंपली करना है, इसको हमारे को इसमें बस रिवॉल्व करके फिट करना है। तो ये हमारा फिट हो गया, तो यहाँ से वाटर इन होगा, ये पाइप में लगेगा आपके, ये आपका मेन उसमें लगेगा लाइन में, ये आपका टैप हो गया और यहाँ से आपका टैप अडैप्टर की वजह से यहाँ से हम लोग अपना होस कनेक्ट कर सकते हैं और होस के साथ साथ आप लोग इसमें होस के आगे नोजल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें होस कनेक्ट करने के क्या ऑप्शंस हैं और उसके बाद नोजल कनेक्ट करने के क्या ऑप्शंस हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये हमारे पास जो अडैप्टर है इसके थ्रू हम थ्रेडेड टैप्स हाफ इंच, 3x4 इंच और 1 इंच कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास होस पाइप जो गार्डन पाइप होता है वो अलग अलग साइज़ का है तो वो आप इसके एंड इस एंड पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो टैप वाला तो आपका पोर्शन हो गया, आपका इरेस्पेक्टिव हो आपके पास या तो हाफ इंच का टैप है या 3x4 इंच का थ्रेडेड टैप है या 1 इंच का थ्रेडेड टैप है, इस टैप अडैप्टर की वजह से इस आपको टैप कनेक्ट हो जाएगा, थ्रेडेड होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें होस कैसे कनेक्ट करना है। तो ये आप हमारे पास देखेंगे, हमारे पास 3 पाइप है यहाँ पर, ये हमारे पास हाफ इंच का पाइप है, ये 3x4 इंच का पाइप है और ये मोटा पाइप है 1 इंच का। इसका भी बहुत इजी है, हमने दूसरे वीडियो में भी बताया है कैसे मेज़र करना है। आपको सिंपली इनर डायमीटर देखना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका इनर डायमीटर हाफ इंच है। तो इस हाफ इंच के पाइप को अगर हमें इसको कनेक्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के क्विक कनेक्टर्स आते हैं। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका पाइप साइज क्या है, आप इस टैप अडैप्टर को इस पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, इस होस पाइप से यूजिंग अ क्विक कनेक्टर। तो बहुत सिंपल है, ये मेरे पास हाफ इंच का क्विक कनेक्टर है। आप देखेंगे तीनों कनेक्टर्स यहाँ पर हैं मेरे पास, जो ये हाफ इंच है, ये 3x4 इंच है, ये 1 इंच है। तो लेट्स से मैं हाफ इंच के मैं लगा रहा हूँ, तो इसको मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसमें जो आपका ये देख रहे हैं ये पोर्शन, इसके अंदर मैंने अपना होस इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इस क्विक कनेक्टर को बंद कर दिया और ये सिंपली इसमें मैंने फिट कर दिया। तो ये मेरा असेंबली देखिए आप पूरा रेडी हो गया। अगर आपके पास 3x4 इंच का पाइप है या आपके पास 1 इंच का पाइप है तो उसका जो ये एंड है तीनों का सेम है। तो यहाँ पर डिफरेंट साइज़ का पाइप आपके लग रहे हैं इस तरफ, मगर ये एंड उसका सेम है तीनों का अगर आप देखेंगे। तो कोई भी आपका होस पाइप हो आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ होकीपो क्विक कनेक्टर। तो आप देखिए ये इजीली कनेक्ट हो गया। अगर अभी आपको इसमें नोजल भी आगे कनेक्ट करना है तो अगेन वो भी बहुत सिंपल है। ये हमारे पास एक नोजल है, इस नोजल को आप पाइप के दूसरे एंड पे अगेन आप सेम क्विक कनेक्टर लगा दीजिए। अगर आपका हाफ इंच का पाइप है तो आपने
इधर भी हाफ इंच का क्विक कनेक्टर लगाया है और आपने इधर भी हाफ इंच का क्विक कनेक्टर लगाया है, तो दोनों तरफ आपने हाफ इंच के क्विक कनेक्टर लगा दिए हैं। इस तरफ आपका टैप लग गया है, थ्रेडेड टैप यूजिंग अ टैप अडेप्टर, थ्रेडेड टैप अडेप्टर, और इस तरफ आपकी नोजल भी फिट हो गई है। ये देखिए आपकी नोजल भी इसमें फिट हो गई है। तो इस हिसाब से आपकी पूरी असेंबली बन जाती है। तो यहाँ पर आपका थ्रेडेड टैप था या गार्डन वॉल्व जो भी आप लगाना चाहें, थ्रेडेड होना चाहिए। हाफ इंच है, 3x4 इंच है, 1 इंच है, वो सब इसमें लग सकते हैं। इसके बाद क्विक कनेक्टर लगा दिया। क्विक कनेक्टर आपका जो पाइप का साइज है उसी साइज का आपको क्विक कनेक्टर लेना है, आप होकीपो का क्विक कनेक्टर ले सकते हैं। तो 2 क्विक कनेक्टर लगा दिए और उसके इस एंड में हमने नोजल कनेक्ट कर दिए। तो ये आपका कंप्लीट असेंबली इस तरह से इजीली रेडी हो जाता है।